हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल में। अगर आपने भी UPBSC नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो आपको याद होगा वो दिन जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में एक बहुत बड़ी खबर ये फैली थी कि BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आउट हो गया। क्या BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आउट हो गया। इस तरीके की आपने सुनी होगी ये खबर और आपको भी वो अफवाह लगी होगी। वाकई में पेपर लीक तो नहीं होने के कोई भी चांसेस हुए थे, ना ही ऐसी कोई पुख्ता सबूत मिले थे कि पेपर हुआ, लीक हुआ भी था या फिर नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, इस चीज़ की श्योरिटी हो गई थी कि बच्चों के पास पेपर थे। बाद में ये क्लियर हुआ कि जो पेपर होना था, पेपर होने के बाद यूनिवर्सिटी कभी भी अलाउ नहीं करता है कि बच्चे घर पर पेपर लेके जाएं, लेकिन गलती से टीचर्स ने स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया था कि वो घर पर पेपर लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक मामला चल रहा है, 2 से 3 दिनों में मैंने देखा, जब से पोस्ट रेजिग्नेशन की जो सीट मैट्रिक्स आनी थी और चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी, मैंने मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे, बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस देखे कि सर कहीं ये स्कैम तो नहीं। यानी कि आपने देखा होगा पोस्ट रेजिग्नेशन की जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चों को लग रहा है कि हमारे साथ स्कैम हो गया, अब कोई भी डेट शीट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, एडमिशन क्लोज हो गया। आप यहाँ पे कमेंट भी देख सकते हो, कमेंट में लिखा है, ऐसा एक कमेंट नहीं बहुत कमेंट है, आप चैनल पर जाके पढ़ सकते हो। कोई तो आवाज़ उठाओ, कोई तो अभी भी मे ऊपर वीडियो बनाओ, इस तरीके से लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम टोटली यही जानने वाले क्या सच में स्कैम हुआ है, और हुआ है तब आपको क्या करना है, अगर नहीं हुआ है तो हम आपको बता ही देंगे कि नहीं हुआ है। बाकी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर अगर स्कैम होता भी है तो सबसे पहले आपको खबर हमारा चैनल ही करेगा और उस समय आपको क्या करना है इस चीज़ की भी जानकारी सही समय पर आपको देगा। देखो, हुआ कुछ उस टाइम ये था, आप सबने एग्ज़ाम दिया, आप सबको मामला पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर यानी कि जो यूनिवर्सिटी द्वारा BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर है, बच्चों के हाथ द्वारा घर पर ले जाए गए थे। तो वो टीचर्स की गलती थी, वहाँ पर कोई भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया था। उसे पेपर लीक नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो जो पेपर था एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों के पास घर गया था, ठीक है, तो उसे पेपर लीक में कभी भी बोला नहीं जा सकता। अब दूसरा मामला जो उठ रहा है 7 तारीख वाला, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि क्या पता होगा कि आपका जो मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस होनी थी 31 जुलाई को, क्या 31 जुलाई को आपका सीट मैट्रिक्स आ जाना था मॉपअप का, जो कि आ गया था। लेकिन याद रखना वो प्री रेजिग्नेशन वाला था और 31 तारीख से ही रेजिग्नेशन स्टार्ट होने लगा था। यानी कि जो बच्चों को राउंड 1 राउंड 2 में उनको सीट्स मिल गई थी, वो उनको रिज़ाइन करके दोबारा से मॉपअप में पार्टिसिपेट कर पाए, रेजिग्नेशन का ऑप्शन दिया गया था ताकि वो रिज़ाइन करे और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करे। तो 31 तारीख से शुरू हो गया था और 5 तारीख को सफलतापूर्वक ख़त्म भी हो गया था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जैसा कि 7 तारीख को डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रेजिग्नेशन सीट यानी कि जो रेजिग्नेशन बच्चों ने किया है उसका डिस्प्ले होना था, सीट मैट्रिक्स आनी थी, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी, वो बिल्कुल भी नहीं हुई। हालांकि रात को 10 बजे के आसपास एक नोटिस आया, जिस नोटिस में ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ, नोटिस अभी भी अवेलेबल है, आप ABVMU की ऑफिशियल साइट पर जाकर के पढ़ सकते हो, और ये ABVMU की ऑफिशियल साइट ही है। वहाँ पर लिखा हुआ था, आप ध्यान से इसे जूम करके पढ़ पाओगे, कि सीनेट 2024 एंड सीपेट फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC, बैचलर्स पैरामेडिकल एंड मास्टर्स पैरामेडिकल कोर्सेज, मॉपअप राउंड काउंसलिंग इज पोस्टपोन्ड। यानी कि आपका जो सीनेट के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं, सीपेट के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं, चाहे वो UG के हों चाहे PG के हों, सारे कोर्सेज की जो सीट मैट्रिक्स है पोस्ट रेजिग्नेशन वाली, वो पोस्टपोन्ड कर दी गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल सीट मैट्रिक्स शैल बी अनाउंस शॉर्टली। यानी कि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि अगली रजिस्ट्रेशन और फाइनल सीट मैट्रिक्स की जो डेट है बहुत शीघ्र ही उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और कहाँ से मिलेगी? आपको इसी चैनल पर ही मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, और आपको इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप दिन में 1-2 बार विजिट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको जानकारी ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी कोई नई जानकारी आती है हम ज़रूर आपके साथ वहाँ पर साझा करते हैं। अब देखो, बात रही स्कैम करने की, स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ, अगर उस चीज़ पे बात करें तो मैं ये चीज़ अभी कह सकता हूँ, अभी कोई सबूत किसी चीज़ का मिला नहीं है, बस बच्चे कह रहे हैं, तो किसी के कहने से कोई चीज़ को मान लेना सच नहीं होता है। देखो, होता क्या है,
अक्सर हर किसी के साथ होता है कि हम अरे हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बाइक से कहीं जा रहे होते हैं, लड़कियाँ स्कूटी से कहीं जा रही होती हैं, उनकी स्कूटी में तेल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, फिर भी स्कूटी बंद हो जाती है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। सेम उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी में भी ऐसे होने के चांसेस हैं। यूनिवर्सिटी कहीं स्कूटी से बाइक से कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो भी कार्य हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, समय पर हो रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चों ने रिज़ाइन किया, रेजिग्नेशन की एक लिस्ट बनेगी ना, एक ही लिस्ट नहीं बनेगी। यूपी में जितने कॉलेज हैं, जितने कोर्सेज हैं, सब में रिजिग्नेशन का ऑप्शन दिया गया था, सब में बच्चों ने रिज़ाइन किया। एक यूपी कितना बड़ा स्टेट है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने कॉलेजेस हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होगा। तो सबका डेटा कॉलेजेस द्वारा बना पाना, बनाने के बाद यूनिवर्सिटी को भेजना, मे बी यूनिवर्सिटी को मिल गया हो और उसे कलेक्ट करके वेबसाइट पर डालना वगैरह वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी ने अपने लिए 2 दिन का समय मांगा, 2 दिन भी नहीं, 5 तारीख का आपका फाइनल डेट था पोस्ट रिज़ाइन करने का था ना, 6 तारीख को बचा था आपका, 6 तारीख और 7वें तारीख को पोस्ट रेजिग्नेशन का डिस्प्ले करना था सीट मैट्रिक्स। एक दिन में कैसे इतने कॉलेजेस का कर पाता, नहीं पॉसिबल है ना। यूपी में कम से कम 100+ तो कॉलेजेस होंगे गवर्नमेंट प्राइवेट मिला करके, और कम से कम 2500 से 3000 से ऊपर सीटें होंगी सब मिला करके, ठीक है, 2500 से 3000 बोल दिया, कम से कम 7 से 8 हज़ार सीटें होंगी टोटल नर्सिंग की। अदर अदर कोर्सेज की मिला लें तो कम से कम 50-60 हज़ार बन जाएंगी, और ऐसे सीटों की बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे, हो सकता है इसी कारण बस आपका ये डिले हुआ, और सच में कोई भी स्कैम अभी तक नहीं साबित हुआ है, ना ही हुआ है। अगर होता भी है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल इन्फॉर्म करेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।